सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और यार आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्रह्मास्त्र के लीक्ड पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। तो हाँ, लीक के हिसाब से तो हमें इस मूवी में एक ही पोस्ट क्रेडिट सीन देखने मिलेगा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो पोस्ट क्रेडिट सीन आप लोग पहले ही देख चुके हो, जिसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन को जानने से पहले हमें मूवी को जानना जरूरी है, क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन को जानने के लिए हमें पहले मूवी को जानना पड़ेगा, जो कि मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। तो देखो यार, मूवी की स्टोरी कुछ इस प्रकार होने वाली है। ये जो इतनी बड़ी मूर्ति है जिसे आप पहले ट्रेलर से ही देख रहे हो, पूरी मूवी इसी से जुड़ी होने वाली है, जिसमें हमें दिखाया जाएगा कि मुनीरो एके जुनून और उसकी पूरी टीम इस मूर्ति को जिंदा करने में लगे हैं, जो कि शायद इनका गुरु होगा जिसके पास उस वक्त में एक अस्त्र होगा। लेकिन क्योंकि वो एक इविल कैरेक्टर था, तो उसको बाकी सारे अस्त्रों ने मिलकर एक मूर्ति में बदल दिया, जिसे फिर से जिंदा करने का ठेका मुनीरो ने लिया। अब यार ऑफकोर्स हर मूवी में गुड वर्सेस इविल वाला एंगल तो रहता ही है, तो वो यहाँ भी होगा। और यहाँ अच्छाई की तरफ कौन होगा या फिर बुराई की तरफ कौन होगा, ये मुझे बताने की जरूरत तो लग नहीं रही है। लेकिन इस ब्रह्मास्त्र मूवी के फर्स्ट पार्ट में मुझे लगता है कि इविल की ही जीत होगी, क्योंकि इविल अगर पहली मूवी में ही हार जाएगा तो फिर आगे के पार्ट बनेंगे कैसे। और अब बारी आती है पोस्ट क्रेडिट सीन की। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था, आप लोगों ने अनजाने में वो पोस्ट क्रेडिट सीन पहले ही देख लिया है। हाँ, और वो सीन है ये वाला, जिसे कुछ टाइम पहले मूवी के मेकर्स ने ही टीवी स्पॉट के रूप में वो अपलोड किया था। अब अगर आप लोग इस सीन को थोड़े भी ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो कैरेक्टर दिख रहा है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि उसे अपनी पावर काफी टाइम बाद मिली है। मतलब कि जिस तरीके से ये पार्ट उसके पास आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है काफी टाइम बाद ये दोनों असेंबल हो रहे हैं। और ये जो चीजें इसके शोल्डर पर उड़कर आ रही है, ये पक्का इसका अस्त्र होगा, जिसका हमें अभी तक कोई नाम नहीं बताया गया। अब देखो, मैं इसे अस्त्र इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जितने भी अस्त्र उसे कहीं ना कहीं पहना जाता है अपने बॉडी पर। जैसे कि वानर अस्त्र को पैर में एक कड़े के तौर पर पहना जाता है, और नंदी अस्त्र को एक कड़े में हाथ की तरह, और मुनीरो के पास जो अस्त्र है उसे लॉकेट की तरह पहना जाता है। और भी काफी सारे अस्त्र है जिसे डिटेल में नहीं बताया गया, वो आज मूवी में देखने को मिलेंगे। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। अब सबसे जरूरी बात, ये जो भी मैंने बताया इसे कंफर्म मत मान लेना, क्योंकि मैंने भी इसे एक लीक के आधार पर बताया है। तो बस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।